प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एनेक्सी भवन के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अंजू चौधरी ने कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने वाली आंगनबाड़ी आशा तथा समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा कुछ महिलाओं को विधवा पेंशन पत्र तथा गोल्डन कार्ड वितरित किया गया। इस मौके पर बच्चों को पुष्टाहार भी वितरित किया गया। इस मौके पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद किसानों के ऋण को माफ किया गया एवं तरह तरह के उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा माफियाओं को जेल के अंदर डाल दिया गया तथा महिलाओं की सुविधा के लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी अलक निरंजन, बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला, उप स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, मोहित सक्सेना, रानी मिश्रा सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा सभी विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय पे ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में और उसी क्रम में शहर क्षेत्र के अंतर्गत आज एनेक्सी भवन सभागार जहाँ पे आप लोग उपस्थित हैं ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस प्रकार से जनपद में कुल 9 स्थानों पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन आयोजन के माध्यम से महिलाओं के केंद्रित करते हुए चलाई गई समस्त स्कीमों उनकी सुरक्षा उनकी स्वावलंबन के उद्देश्य से अपनाए जाने वाले सरकार द्वारा सुरक्षात्मक उपायों सभी के संबंध में एक एक करके चर्चा की जानी है और आपके माध्यम से ये प्रयास किया जाएगा कि जो स्कीम्स जो भी सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं महिलाओं के लिए उनके विकास के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उनकी प्रगति पे चर्चा हो, जो सरकार की 4 साल की उपलब्धियाँ हैं उसको बताया जाए, उसके साथ ही साथ आम जनमानस तक आम महिलाओं तक जो गांव के दूर दराज की गांव में रहती हैं उन महिलाओं तक सरकार की योजनाओं और सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियानों की जानकारी पहुंच सके इस उद्देश्य से ये गोष्ठी आयोजित की गई है और मंच पे आशीष सभी मंचाशीर्षकों को अवगत कराना चाहेंगे कि हम लोगों ने इसके पूर्व भी मिशन शक्ति के अंतर्गत लगातार क्रमबद्ध तरीके से माह अक्टूबर से कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में तो उसी कड़ी में ये 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पे मिशन शक्ति के अंतर्गत आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम जनपद में जैसा कि मैंने पहले ही बताया सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन करके सभी अपने जो विभाग के कर्मचारीगण हैं ग्राम स्तर के ब्लॉक स्तर के उसमें प्रतिभाग करते हुए सरकार की उपलब्धियों को बताने जो महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाओं की उपलब्धियों को बताया जा रहा है और साथ ही साथ स्कीम्स और उनकी सुरक्षा के उपायों को महिलाओं तक जो गांव में है उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और एक बार फिर मैं पूरा मंच के आशीष सभी मंचा सिंह गौर का मैं स्वागत करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। थैंक यू। एक्सरसाइज अपनी राय को
विपरीत दिशा में आगे बढ़े हुए अपने पांव को घुमा कर घुटने लगा और उस पर लगातार दबाव डालते हुए वो बैग छोड़ देगा। इस मिशन शक्ति को ही नहीं वरना जितने भी सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उसमें हमें अगर महत्वपूर्ण स्थान मिला है इस जनपद को इस मंडल को तो वो आपके कार्ड मिला है। आप सभी फ्रंट वर्कर्स हैं। COVID-19 में आपने जो अप्रतिम सहयोग प्रदान किया उसके लिए भी आप साधुवाद और प्रशंसा की पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में न केवल कल्याण विभाग बल्कि जितने विभाग हैं सभी ने आशा तीत सफलता अर्जित की है और ये न सिर्फ कहने की बातें हैं न कागजी आंकड़े हैं, धरातल पर भी इस चीज को महसूस किया जा सकता है। ये वो यथार्थ है जिसको हम दिखा सकते हैं। अगर बात करूं मैं कल्याण विभाग के पेंशन की ही तो समाज कल्याण विभाग में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन 2017-18 में 64,000 लोगों को मिल रही थी और 4 वर्ष उपरांत आज हम 2021 की बात करें तो न केवल 1,22,747 लोगों को हमने पेंशन दे दी है वरन 39,000 की स्वीकृतियां भी हमने कर दी हैं जो मिलाकर 1,61,000 होता है और ये दुगुने से भी ज्यादा है। हम निराश्रित महिला पेंशन की बात करें तो 17-18 में 39,000 के आसपास था और आज 64,000 है। इसी तरह दिव्यांगजन पेंशन, कल्याणकारी जितनी योजनाएं हैं चाहे वह छात्रवृत्ति की योजना हो, सामूहिक विवाह की योजना हो, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ हो, शादी हो, मुख्यमंत्री सामूहिक शादी की बातें हो या कन्या सुमंगला योजना हो, जितनी भी हमारी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सब में बहुत आशातीत सफलता अर्जित की गई है और सभी विभाग आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी आए और जनपद में एक बड़ा सा कार्यक्रम हुआ, यहीं से लाइव टेलीकास्ट हुआ, 4 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत चीज़ें लाइव टेलीकास्ट की गई थी, उसको हर जनपद में प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में कुशलता से उसको बनाया गया। आप सब लोगों की मेहनत का यह परिणाम है कि आप जहाँ भी हैं आप सच्चे लगन से आप अपनी सेवा देती हैं, आप मेहनत करती हैं और उसका प्रतिफल शासन को प्रशासन को मिलता है। इन्होंने कई बच्चों को एनआरसी में एडमिट करवाया और उनसे 4 मिनट के लिए मंच पर आया और अपने के लिए जोरदार तालियां। जो आयोजन किया गया है
मैडम इधर मिशन शक्ति के तहत आप जान रहे हैं लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि मिशन शक्ति के द्वारा किस तरीके से बहनों महिलाओं को सुरक्षा सम्मान और उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसी के तहत आज हम लोग ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। 4 साल पूरे होने पर सरकार के 4 साल पूरे होने पर उनकी सभी जो गतिविधियाँ रही हैं, जो उपलब्धियाँ रही हैं, जो चुनौतियाँ रही हैं, उन सबको उन्होंने कैसे फेस किया और किस तरह से उसको पूर्ण किया है। इसी के तहत हम लोगों ने आंगनबाड़ी और हमारी आशा बहनें और हमारे समूह की जो बहनें हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया है ग्रामीण क्षेत्र से और जिन्हें सम्मानित किया गया है। 5-5 हर डिपार्टमेंट के लोगों को सम्मानित किया गया है। वृद्धा पेंशन में विधवा पेंशन है, उसके बाद गोल्डन कार्ड में पुरुषों को गोल्डन कार्ड दिया गया है, पुष्ट आहार का दिया गया है बच्चों को और इसके साथ साथ जो उनको का गोल्डन सीसी कार्ड भी दिया गया है और समूह की बहनों को सम्मानित किया गया जो अध्यक्ष हैं और जो विभिन्न तरह के घरेलू उत्पादन कर करके अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। इसी तरीके से हम लोग ने कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें लाभान्वित हो सकें और महाराज जी के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पूरे कार्यक्रम रहा है, जो उपलब्धियाँ रही हैं, उसके बारे एक एक को विस्तार पूर्वक हम लोग बता रहे हैं। किसानों के लिए क्या क्या उन्होंने किया है, किस तरह से उन्होंने ऋण माफ़ किया, गन्ना के उत्पादन को बढ़ाया, गन्ना के मिल चीनी मिल्स बढ़ाएँ, 50% ऑफ द इंडिया का जो गन्ना है वो उसका चीनी का उत्पादन अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टर्स अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी से आ रहे हैं क्योंकि माफिया और जितने इस तरीके के लोग थे उन लोगों का समापन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ महिलाओं के लिए उन्होंने जो हेल्पलाइन डेस्क बनाए हैं उनके अलग अलग तरीके से उन लोगों को 20% पुलिस में भर्ती कराने का वो प्लान किया है और महिलाओं के सुरक्षा के लिए हर तरह की व्यवस्था जो की गई है उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने किस तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालयों लगभग 700 करीब बढ़ाया है, क्योंकि रेसिडेंशियल है लड़कियों के लिए विशेष रूप से है, यूनिवर्सिटीज बढ़ाया है, प्राइमरी सेंटर्स बढ़ाया है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक एम्स दिल्ली गोरखपुर में और एक रायबरेली में, तो दोनों जगह उन्होंने एम्स बनाया है। साथ ही साथ जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं और लेटेस्ट मशीन है वो KGMC में और गांधी जी के PGI में उन्होंने उसको स्थापित कराया है। और स्वास्थ्य के लिए उन्होंने बहुत ध्यान दिया है कि किसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है कोविड को और एक्स्ट्रा बेड बनवाए हैं, इंस्पेक्शन हर तरीके के वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से लगाया जा रहा है, साथ ही साथ ICU बनाए हैं और कोविड को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया है इसके लिए WHO ने भी उसकी तारीफ की है। और जो हमारे बाहर से श्रमिक आए थे, लगभग 40,000 श्रमिक बाहर से आए थे, उनको तुरंत तत्काल उनको नौकरी दी गई है। मनरेगा के तहत भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को नौकरी दी जा रही है और जो युवा वर्ग हैं उनको भी बहुत अलग अलग
इंडस्ट्रीज और वो खोल कर करके उनको हम ही लोगों को इन्वाइट किया गया है, इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं और विभिन्न क्षेत्र में युवाओं को भी रोज़गार दिया जा रहा है। रोज़गार के अलावा युवाओं को शिक्षा के लिए उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और बेटियों को विशेष रूप से अच्छी शिक्षा मिले और उनका ध्यान रख सकें हम लोग, इसलिए सुमंगला योजना भी उन्होंने शुरू किया है। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसको कि उपलब्धियों को हम लोग को बताना जरूरी है, क्योंकि हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ होती हैं बहुत सारी ऐसी होती जो अनपढ़ होती हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होता है। जो भी योजनाएं हैं महाराज की उससे उनके लाभ मिल सकता है, उन योजनाओं पर चार साल में जो जो हैं अभी और जो आगे होने वाले हैं, क्योंकि जल्द महिलाओं को राशन वितरण से लेकर के शौचालय के प्रबंधन से लेकर के बैंकिंग में जॉब करने का यह सब ओपन किया जा रहा है, ताकि हमारी बहनें आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ सकें और हम अपना आर्थिक स्थिति भी बेहतर कर सकें। ये मुख्य उद्देश्य आज के इस मीटिंग का है, इस बैठक का है, और भारी संख्या में हमारी बहनें आई हुई हैं और उनको हर तरह का लाभ दिया जा रहा है।